ओर से आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सभी को विदित है कि ये जो आज का जो शीर्षक है वो लघु नाटक का है और हम उसके दूसरे चरण में हैं और हमें जो शीर्षक मिला है वो है पाप। तो आइए हम देखते हैं कि पाप क्या है, कैसे आया और कैसे हमने उससे छुटकारा पाया। पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता था। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और छठवें दिन उसने मनुष्य की रचना की। अपने हाथों से मिट्टी को सानकर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका दी और उसमें उसे रहने के लिए दिया और उसकी देख रेख करने के लिए उसे कहा। और मनुष्य उसमें परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इस पेड़ का फल तुम ना खाना और परमेश्वर उसे प्रतिदिन शाम को मिलने आया करते थे और मनुष्य उस जगह की रखवाली करता था। एक दिन शैतान मनुष्य के पास आया और उसे बहकाया और उसे जाकर उस फल को खाने के लिए कहा जो परमेश्वर ने उसे खाने से मना किया था और मनुष्य आज्ञा उल्लंघन करके उस फल को तोड़कर खा लिया। और उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये आज्ञा उल्लंघन जिसने पाप को उत्पन्न किया और मनुष्य के जीवन में पहली बार पाप के प्रवेश किया और मनुष्य पाप में बढ़ता गया और पाप के कारण मनुष्य दबता गया और वो बेसहारा और लाचार पड़ा, संसार के दुख दर्द से घिरा हुआ, परेशानियों से मानसिक शारीरिक आर्थिक पीड़ा से घिर गया। एक आज्ञा उल्लंघन के कारण मनुष्य पाप में इस तरह घिर गया कि वो अपने आप से उभर ही नहीं पाया। लेकिन फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि वो इस जगत के मनुष्यों को पाप से छुड़ाए और परमेश्वर के उस पुत्र ने मनुष्य को पाप से निकाला और अपने लहू के द्वारा उसे छुटकारा दिया और परमेश्वर ने इसे मनुष्य को नया जीवन दिया और सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया और मनुष्य खुशहाल जिंदगी जीने लगा और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को पाप में घेर कर मनुष्यों के पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया और अपने रक्त से मनुष्य को पाप और साफ किया। यही पाप जो दुनिया में आया और यह प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया। धन्यवाद।